आईपीएल 2022 के एडिशन को लेकर बीसीसीआई बता चुका है कि 26 मार्च से हमें आईपीएल की शुरुआत देखने को मिलेगी। 26 मार्च को केकेआर और चेन्नई के बीच हमें आईपीएल का पहला मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन आईपीएल की शुरुआत से पहले अब कुछ खिलाड़ियों ने आईपीएल से अपना नाम विड्रॉ कर लिया, आईपीएल से अपने आप को बाहर कर लिया। उनके बाहर होने पर अब टीमों ने यहाँ पर आईपीएल की शुरुआत से पहले काफ़ी सारे रिप्लेसमेंट्स अनाउंस कर दिए। मैं इस वीडियो में आपको उन सभी खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो कि आईपीएल से बाहर हो चुके, इसके अलावा अपनी इंजरी के चलते आईपीएल में उपलब्ध नहीं होंगे, इसके अलावा उनकी रिप्लेसमेंट्स भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि आईपीएल की शुरुआत से पहले कौन कौन से खिलाड़ी आईपीएल से बाहर हो चुके और इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन कौन से खिलाड़ियों को अब टीमों में जगह मिली है। तो सबसे पहले जेसन रॉय ने बायो बबल फटीक के चलते हुए अपने आप को आईपीएल से बाहर कर लिया, आईपीएल से रूल्ड आउट हो चुके। इसके अलावा करंटली ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, दीपक चेर, ऋतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल अपनी इंजरी से यहां पर जूझ रहे, जहां पर दीपक चेर तो शायद आईपीएल के आधे सीजन में उपलब्ध ना हो। गायकवाड़, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव भी शुरुआती कुछ मुकाबलों में उपलब्ध ना हो, हालांकि केएल राहुल पहले मुकाबले से उपलब्ध हो जाएंगे। तो करंटली काफी सारे प्लेयर्स अपनी इंजरी से यहां पर जूझ रहे, तो इसी वजह से अब आईपीएल की टीमों ने यह फैसला लिया कि इन प्लेयर्स के बैकअप के तौर पर, रिजर्व के तौर पर अपनी टीमों में ऑलरेडी प्लेयर्स को शामिल कर ले, क्योंकि आईपीएल के दौरान यहां पर कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते हुए रिप्लेसमेंट प्लेयर को हाथों हाथ मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें पहले लगभग 10 दिनों का आइसोलेशन स्पेंड करना होगा, इसके बाद ही वो मुकाबले खेल पाएंगे। इसी वजह से पिछले साल भी टीमों ने रिजर्व प्लेयर के तौर पर काफी सारे प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल किया था, उस तरीके से अब इस साल भी टीमें रिजर्व प्लेयर के तौर पर, बैकअप प्लेयर के तौर पर अब प्लेयर्स को अपनी टीमों में शामिल करने लगी है। 10 खिलाड़ियों के नाम निकलकर सामने आए जिन्हें टीमों ने अब रिप्लेसमेंट, बैकअप या फिर रिजर्व के तौर पर अपनी टीमों में यहां पर शामिल कर लिया। इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है सुरेश रैना का। दरअसल रैना के साथ तो MIRCB की टीम कॉन्टैक्ट में, MI की टीम बैकअप के तौर पर, जबकि RCB की टीम भी इनको बैकअप रिजर्व के तौर पर अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। हालांकि रैना ने अब तक कंसेंट नहीं दिया, लेकिन रैना को ये दोनों ही टीम अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। इसके बाद नाम आता है स्टेवन स्मिथ का। स्टेवन स्मिथ को करंटली गुजरात की टीम यहां पर जेसन रॉय की रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रही है, तो जेसन रॉय की रिप्लेसमेंट के तौर पर अब मोस्ट लाइकली स्टेवन स्मिथ हमें गुजरात में देखने को मिल सकते हैं, जहां पर गुजरात के पास ओपनिंग स्लॉट में तो ऑलरेडी यहां पर अब जेसन रॉय के चले जाने के बाद मैथ्यू वेड का ऑप्शन है, तो शुभमन गिल मैथ्यू वेड ओपन करेंगे, जबकि यहां पर स्टेवन स्मिथ को नंबर 3 नंबर 4 पर यह फ्रेंचाइज यूज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है अमित मिश्रा का। मुंबई इंडियंस के पास स्पिन गेंदबाजों की कमी होने के कारण अमित मिश्रा को यह फ्रेंचाइजी अपनी टीम में शामिल करने के लिए देख रही है, तो रिजर्व प्लेयर में अमित मिश्रा MI की फ्रेंचाइजी से अब जुड़ सकते हैं। इसके बाद नाम आता है डेविड विजे का। दरअसल यहां पर डेविड विजे का T20 वर्ल्ड कप में, PSL में, इसके अलावा और भी T20 टूर्नामेंट्स में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। मोस्ट लाइकली RCB की टीम इनको यहां पर देख रही है। RCB के लिए ये 2014-2015 में IPL खेल चुके, तो RCB की टीम इनको रिजर्व प्लेयर के तौर पर अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। काफी क्वालिटी ऑलराउंडर, इस ऑलराउंडर को ये फ्रेंचाइजी अपनी टीम में देख रही है। इसके बाद नाम आता है बेन कटिंग का। तो बेन कटिंग भी यहाँ पर रिजर्व के तौर पर सभी 10 टीमों के लिए अच्छे विकल्प है, जबकि इसके बाद नाम आता है मार्टिन गप्टिल का। तो मार्टिन गप्टिल भी आईपीएल के लिए अवेलेबल है, रिजर्व प्लेयर के लिए ये भी करंटली पूरी तरीके से अवेलेबल है। इसके बाद नाम आता है एरोन फिंच का। दरअसल एरोन फिंच को भी गुजरात की टीम अपनी टीम में शामिल करने को देख रही है। मोस्ट लाइकली स्टेवन स्मिथ और एरोन फिंच में से एक प्लेयर तो यहाँ पर जेसन रॉय को रिप्लेस करेगा, जबकि एक प्लेयर रिजर्व प्लेयर के तौर पर अब टीम में आ जाएगा। इसके बाद नाम आता है क्रिस लिन का। दरअसल क्रिस लिन का भी अब सभी 10 टीमों के पास विकल्प है, हालांकि टीमों ने अब तक लिन से यहां पर कॉन्टैक्ट नहीं किया, लेकिन क्रिस लिन के रूप में सभी टीमों के पास एक क्वालिटी ओपनर का विकल्प है। टीमें चाहे तो इनको भी अपनी टीम में शामिल कर सकती है। इसके बाद नाम आता है ओयन मॉर्गन का। तो ओयन मॉर्गन के रूप में भी यहां पर एक क्वालिटी यहां पर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज का विकल्प है, टीमें चाहे तो इनको भी अब रिजर्व प्लेयर के तौर पर शामिल कर सकती है। एट द एंड नाम आता है एंड्रो टाई का। दरअसल एंड्रो टाई के साथ CSK की टीम बातचीत करी है। CSK की टीम एंड्रो टाई को दीपक चेहर की जगह यहां पर रिजर्व में रखना चाहती है। दीपक चेहर आधे मुकाबलों में उपलब्ध नहीं होंगे, तो इस फ्रेंचाइजी का प्रयास है कि यहां पर एंड्रो टाई को उन मुकाबलों में खिला लिया जाए, तो मोस्ट लाइकली एंड्रो टाई की हमें चेन्नई में एंट्री देखने को मिल सकती है। ये 10 खिलाड़ी यहां पर ऑप्शन में अनसोल्ड जाने के बाद आईपीएल 2022 के एडिशन में हमें खेलते हुए दिख सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन टीमों में से कौन सी टीम का सबसे बढ़िया फैसला, आप इन खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी को अपनी टीम में देखना चाहते हो, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल
को जरूर करें सब्सक्राइब।